हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पैडागोजी का रिमेडियल टीचिंग वाला पोर्शन देखेंगे कि रिमेडियल टीचिंग में होता क्या है, रिमेडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है, क्यों करना है और कैसे करना है, ये चीज देखेंगे। रिमेडियल टीचिंग क्या होता है, इसको औपचारिक कक्षाएं कहते हैं हिंदी में। औपचारिक कक्षाएं मतलब क्या, अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपका पढ़ाए हुआ या तो समझ नहीं पाए हैं या तो गलत समझ लिया उन्होंने, और जो गलत समझा है या नहीं समझ पाए वो वाला भाग बहुत महत्वपूर्ण भाग है, तो उसे आपको दोबारा पढ़ाना है। तो वही दोबारा पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे हम रिमेडियल टीचिंग कहते हैं। ये जनरली उन बच्चों के लिए रहती है जो कमजोर छात्र रहते हैं। सामान्यतः टीचिंग में होता क्या है, हम टीच करते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं, फिर पढ़ाते हैं। पहले पढ़ाया, फिर एग्जाम लिए, फिर वापस पढ़ाया, यह होता है। पर रिमेडियल टीचिंग में क्या होता है, हमने जब टेस्ट लिया तो टेस्ट लेने से पता चला बच्चा कमजोर है, फिर पढ़ाया और फिर नहीं समझ आया तो और पढ़ाया। तो रिमेडियल टीचिंग में क्या होता है, टेस्ट के बाद पढ़ाया जाता है और भी पढ़ाया जाता है, फिर और टेस्ट लिया जाता है और पढ़ाया जाता है। तो ये काम होता है किसका, रिमेडियल टीचिंग का। अब रिमेडियल टीचिंग कुछ परिभाषाएं दी गई है, आप देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली डेफिनेशन अगर बात करूँ तो हम देख सकते हो MS सचदेवा की डेफिनेशन है, क्या लिखा है कि रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट करना। किसमें इम्प्रूवमेंट करना, स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी भाषा के स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट करना कहलाता है रिमेडियल टीचिंग। तो आपने ध्यान रखना MS सचदेवा ने कहा है कि अंग्रेजी के स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट करना अपनी रिमेडियल टीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट FL विलोज ने क्या कहा है, FL विलोज इसको कंटिन्यूस प्रोसेस बोला है जिसके अंदर इन्वॉल्व है आपकी टेस्टिंग, टीचिंग, रीडिंग एंड रीटीचिंग। ध्यान रखना कंटिन्यूस प्रोसेस किसने बोला है, FL विलोज। नेक्स्ट डेफिनेशन है योकम एंड सैमसन की, है ना। तो अब सैमसन और योकम ने क्या कहा है कि द न्यू रिमेडियल टीचिंग, जो नई जो रिमेडियल टीचिंग है, हैज रिसीव्ड, जो कि प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है, स्टिमुलस फ्रॉम द टीचिंग मोमेंट्स, जो भी आप पढ़ाया है पढ़ाने के बाद, सॉरी यहाँ पर टीचिंग नहीं, यहाँ पर है टेस्टिंग, आपने जो भी टेस्ट किया, बच्चे का परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद जो आपको उद्दीपक मिला वही क्या कहलाई आपकी रिमेडियल टीचिंग। मतलब आप जो भी टेस्ट ले रहे हो बच्चे से और आपको पता चला कि बच्चे की यहाँ पर वीक पॉइंट है, यहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आया, ये स्टिमुलस मिला, उसको कहा जाता है न्यू रिमेडियल टीचिंग। तो यहाँ पर जनरली कितनी परिभाषा भी, अपनी तीन परिभाषाएं भी। अब देखते हैं रिमेडियल टीचिंग करना कैसा है। देखो रिमेडियल टीचिंग कैसे करना है, जो जनरली बच्चे रहते हैं जिनकी भाषा या कोई सा विषय कमजोर रहता है, तो उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो देखो सबसे पहले सिंपल चीजें बताओ, सिंपल चीजों को बताते बताते कॉम्प्लेक्स पर ले जाओ, जो चीजें उनको पता है वो चीजों को रिलेट करते रहते, जो चीजें नहीं पता उधर ले जाओ, जिसको कहते हैं नोन टू अननोन। जो भी आप पढ़ा रहे हो वो बेस होना चाहिए प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। उसके अलावा अगर 40 के भाई हमारी क्लास में बच्चे हैं, जो नंबर में कितने बच्चे हैं, 40, 40 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको जरूरत पड़ी रिमेडियल टीचिंग की, तो उनको क्या करो, छोटे छोटे ग्रुप में बांट लो। क्यों बांट लो, क्योंकि 40 कक्षा में उनको समझ में नहीं आया, तो इसलिए उनको छोटे छोटे ग्रुप में बांट लो और फिर उनको पढ़ाओ। एक हम केस स्टडी भी कर सकते हैं। केस स्टडी मतलब क्या भाई, हमारे पास बच्चे हैं, सपोज 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से एक बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम स्टडी करें, उसको कहते हैं केस स्टडी। ये आपकी होगी बेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग। नेक्स्ट क्या है, स्टेजेस ऑफ रिमेडियल टीचिंग, कैसे स्टेजेस होती है, कैसे हमको रिमेडियल टीचिंग करना है। तो सबसे पहले टेस्ट लिया आपने, टेस्ट लेने के बाद आपको पता चल जाता है कौन सा बच्चा कमजोर है, तो पहले चरण क्या हुआ, पहचान। दूसरे चरण में कमजोर क्यों है उस चीज का पता लगाना, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं, कि हमने डायग्नोस्ट किया उस चीज का पता गया कि क्यों। तीसरे चरण में क्या होता है, प्लान एग्जीक्यूट किया कि भाई बच्चे पहचान भी लिया, बीमारी का पता चल गया, अब बीमारी क्यों है उस चीज का हमको यहाँ पर पता करना है। और लास्ट में आपको क्या लेना है, टेस्ट। टेस्ट लेने के बाद और पता चलेगा बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, जो नहीं समझा उसकी पहचान और होगी, और डायग्नोसिस करोगे और एग्जीक्यूट करोगे और टेस्ट लोगे। तो ये कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस जो चलती रहती है। तो हमारा रिमेडियल टीचिंग वाला टॉपिक यहाँ पर कवर होता है, ठीक है।
तो आपका पेडागोजी का लगभग लगभग ये जो लास्ट चैप्टर था, अब कुछ चैप्टर जो बचे हैं वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।